वेलकम टू डे 46 ऑफ लर्निंग एडवांस फेसबुक एड्स इन 100 डेज। सो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, अगर आपको एड रन करना है, लीड जनरेट करना है फ्रॉम फेसबुक, तो वो आप कैसे करोगे। देखो, पहली बात तो ये, इसमें मैं आपको कुछ करके दिखाने नहीं वाला हूँ कि ऑब्वियसली बात, आप इस इंडस्ट्री से हो तो आपको पता है फेसबुक एड्स कैसे बनाना है, कैसे रन करना है। बस आपको मैं गाइड करूँगा कैसे आप कर सकते हो, कैसे मैं अपनी एजेंसी के लिए एड रन करता हूँ और कैसे मैं रिजल्ट लाता हूँ। पहली बात ये, अगर कोई वीडियो देख रहे हो और मुझे अगर कॉल करता है सर्विस के लिए, तो सॉरी, मैं आपको ये सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं क्योंकि सेम चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको मैं गाइड कर सकता हूं कैसे आप कर सकते हो और किस तरह से आप अपना ग्रो करोगे, ठीक है। चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। सो अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नीश पकड़ना है, ठीक है। नीश क्या होता है कि आप एक इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हो, जैसे कि हम हैं जो हम 5 इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक इंडस्ट्री में हमने पहले पकड़ बनाई, फिर सेकेंड में बनाया, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे 5 इंडस्ट्री में हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। उन 5 इंडस्ट्री के लिए हम लोग लीड जनरेट करते हैं और उनके लिए सेल्स प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, इससे बेनिफिट क्या होगा आपको ये बताता हूं मैं, बेनिफिट होने का। अब देखिए, जब आप किसी एक इंडस्ट्री के लिए वर्क करते हो ना, तो आपको उसके प्रोस कॉन्स सब कुछ समझ में आते हैं, ठीक है। अगर आप सभी इंडस्ट्री के लिए वर्क करोगे, हाँ हम ये भी करते हैं, इसके लिए भी करते हैं, ई कॉमर्स भी करते हैं, हम न्यूज के लिए भी करते हैं, हम डॉक्टर्स के लिए भी करते हैं, हम रियल एस्टेट के लिए भी करते हैं, ऐसे जितने इंडस्ट्री है, स्कूल हो गया, हेल्थ केयर, जो भी इंडस्ट्री है, आप जिसके लिए भी करते हो, तब क्या होगा ना, आपके पास हमेशा नए नए क्लाइंट आएंगे, और नए नए क्लाइंट आएंगे तो नए नए फीचर्स आएंगे, नए नए फीचर्स आएंगे तो आप उसके लिए फिर सब कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप वही एक इंडस्ट्री पे वर्क करते हो, सपोज आप हेल्थ केयर पे वर्क करते हो, तो आप इन सब के लिए चीज़ें बना सकते हो, लाइक अपॉइंटमेंट फॉर्म कैसे बुक होना है, सारा ऑनलाइन सिस्टम कैसे जाना है, इसके लिए CRM सिस्टम कैसे बनेगा, हेल्थ केयर के डिज़ाइंस हो गया। तो ऐसे आप पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के लिए 15-20-25-30 डिज़ाइन सब बना के रख सकते हो और क्लाइंट को डेमो के रूप में भेज सकते हो। इससे क्लाइंट आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपके कन्वर्जन नहीं होते ना, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आपके पास वो स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है, स्पेसिफिक डेटा नहीं है जो आप क्लाइंट को शो कर पाओ, ठीक है। ये बहुत इनसाइड बात कर रहा हूँ जो हम किसी एजेंसी में वर्क करते हैं, ठीक है। जो भी एजेंसी वाले देख रहे हैं उनको 100% हेल्प मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पकड़ सकते हो, उस पर अच्छा पकड़ बना लो आप, 3,000-4,000 पर्टिकुलर वेबसाइट बना लो उस इंडस्ट्री पे, तब आप नेक्स्ट इंडस्ट्री पे शिफ्ट करो। जैसे कि हमने पहले 5,000 वेबसाइट बनाई एक इंडस्ट्री के लिए, फिर हमने सेकंड पे शिफ्ट किया, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिफ्थ, ऐसे हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपको चाहे ई कॉमर्स पकड़ो, ई कॉमर्स में भी अलग अलग सेगमेंट है, आप पर्टिकुलर क्लोथिंग के लिए पकड़ लो, पर्टिकुलर फूड्स के लिए पकड़ लो, पर्टिकुलर ड्रॉप शिपिंग वालों के लिए पकड़ लो, जो भी आप पकड़ना चाहते हो पकड़ सकते हो उस तरीके से, ठीक है। सो आपको इस तरीके से रन करोगे ऐड, हो जाएगा आपका काम, 100% बन जाएगा। अब रही बात आपको टारगेटिंग कैसे करना है, मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं सर टारगेटिंग क्या करूं। तो टारगेटिंग जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप एक मार्केटर हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और पता हो भी जाएगी अगर 10-15 बार एड रन करोगे। तो टारगेटिंग जैसा कुछ नहीं होता है, 1-2 टारगेटिंग आप पकड़ के चलिए काफ़ी है, और आप जो टेस्ट करना है आपको, वो टेस्ट करिए क्रिएटिव पे। क्रिएटिव ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके ऐड को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। जो प्राइसिंग आ रही है, जो लीड की कॉस्ट 100 रुपीज़ जा रही है, 120 जा रही है, 80 रुपीज़ जा रही है, वो सीधे आपकी आ जाएगी कितने में, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, ऐसे। तो आपको मेनली क्रिएटिव में, जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना क्रिएटिव होइए, इस पे काम करिए, और आपका डेफिनेटली फेसबुक एड्स रन हो जाएगा। और अगर फेसबुक एड्स नहीं आता, आपको सीखना चाहते हो इन डेप्थ, मैंने 40-50 वीडियोस बना रखी है फेसबुक एड्स के ऊपर, जाओ सीखो, इंप्लीमेंट करो, क्लाइंट्स लो, क्लाइंट्स के एड रन करो, और अगर कोई भी डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन बताओ, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, मैं, मेरी टीम आपको आंसर कर देगी। सो जाइए, ये सीरीज़ हम बना ही इसलिए रहेगा कि सबको ही ग्रो कर पाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो, यही मैं गाइड करना चाहूँगा। बाकी ऐड बनाना आपको आता है, वो आप बना ही सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।